तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, तो अभी आप देख सकते हो आज का माहौल कैसा है भाई। जब से ठंड पड़ रही है ना भाई, जब से पहली बार ऐसी ठंड देखी है मैंने, मतलब इस साल की, इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा भाई कि सामने वाला मकान भी नहीं दिख रहा। बात तो सही है। जस्ट अभी भी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही, और मम्मी ने बोला बाहर का माहौल तो जाके देख कैसा हो रखा है। पहले दिन में इतना कुछ भाई, एक बात होती है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही थी, पर ये अचानक आज इतनी तेज, अचानक इतना कोहरा, अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया भाई। कल भाई इतनी तेज धूप थी ना, क्या ही बताऊं भाई, गर्मी लग रही थी यार, पर आज भाई इतना कोहरा, देख रहे हो भाई टावर तक नहीं दिख रहा सामने वाला, बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा होगा भाई साहब। तो ये है हमारी इस साल की पहली ठंड जो कि मैंने आज पहली बार देखी है। जब से ठंड आई है पहली बार इतना कोहरा आया इस साल में, हमें तो लग रहा था इस साल ठंडी नहीं पड़ेगी भाई, पर इतना ज्यादा कोहरा आ गया भाई। पर कोई नहीं भाई, ठंड भी जरूरी होता है, ये कोहरा ना बहुत काम की चीज है, हमारे लिए नहीं है बेशक, पर गांव वालों के लिए बहुत काम की चीज है। मम्मी पापा आज यही बता रहे थे कि इसी कोहरे से ना गेहूं की जो गेहूं होता है ना, गेहूं की खेती होती है, उसकी जो गेहूं की हाइट बढ़ती है उससे, मतलब अच्छी फसल होती है इस कोहरे से ही। तो ये भी आज सीखने को मिला कुछ। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, और अभी फिलहाल माहौल देख लो भाई चारों तरफ का, यार क्या ही इतना कोहरा भाई, सही में यार पहली बार देखा मैंने इस साल में, मैं देख के शौक हो गया हूँ हकीकत में भाई, कि अचानक इतना कोहरा आया कहाँ से। फिलहाल तो अपने पिजन्स अभी अंदर हैं, अभी व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे भाई, उसका भी कुछ रीज़न था यार, बहुत तगड़ा रीज़न है यार वो भी, मैं कबूतर वबूतर के चक्कर में पड़ रहा था। ठीक है, कल कबूतर ले आया हूँ मैं अपने, सारे नए पिजन्स हैं ये देख सकते हो, नए खरीद के लाया हूँ कल भाई। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अपने सारे कबूतर आ चुके हैं, अब से कबूतरबाजी भी अब बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि इसकी भी एक टेंशन थी यार मुझे भाई, सब ठंड लग रही है, चलो चल ले भाई, हवा चल ले बहुत तगड़ी। ये देखो भाई कौन आया आज हमारे घर। कहाँ भाग रहा है? मौसी का लड़का है रंजीत। नाना कमा के दिया है तू पैसे, तो नाम कैसे हो? ठीक हूँ। और ठंड बढ़ गया? बढ़ने दे। देख रहे हो कोहरा कितना हो रहा है? गिरने दू नाना, ठीक हो? ठीक बानी, ठीक बानी ना। हाँ कथी कहनी, कहा जाने कथी कहनी मोसा, बाहर नु कोहरा पड़ा था बहुत, मैंने नाना को बोल दिया बाहर कोहरा पड़ रहा है बहुत, बाहर कोहरा पड़ता है ठीक बा। हाँ तू अपना सीमा पर मानी नहीं मानी, बरसात माने ला सारे जब चढ़ जाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो दूंगा सारे सब। नाना पॉइंट की बात कर रहे हैं, नाना को बोला मैंने कोहरा पड़ रहा है, तो कह रहे ये मानेगा नहीं मानेगा, बरसात जैसे आता है ऐसी कोहरा भी आना था तो आ गया। सबका समय होला, हाँ सबका समय होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई नाना ने काफी कुछ बोला, मैंने नाना को ये बोला कि कोहरा पड़ रहा है बाहर, तो नाना ने बोला सबका एक टाइम आता है, सबका एक समय है, जैसे बारिश आती है वैसे कोहरे का भी एक समय होता है, तो कोहरा आज पड़ गया है। सही कह रहा है, बैक कोहरा ही कोहरा हो रहा, सामने वाला मकान नहीं दिख रहा मुझे। चलो भाई चलो कालू। हाँ भाई बोल। अबे यार बहुत ठंड हो गई है। हाँ भाई ठंड तो हो गई है यार। हाँ बहुत कोहरा हो रहा है, बता यार। सही कह रहा है भाई, देखा कालू बात करता है मुझसे। अरे ये तो धोती खोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ? किसने बोला? है अब पोल क्यों खोल रहा है, कालू बात करता है ना। हाँ ये सही है, ये सच्चाई का पुजारी है। तेरी बाइक का है नई वाली? तो भाई देख सकते हो अभी भी ठंड हो रही है बिल्कुल कैडी वाली, तो अभी हम यहाँ पे आग जला रहे हैं और आग तापेंगे आज हम, बढ़िया थे, थोड़ी देर आग ताप लेते हैं। लो जी भाई, लो जी भाई आग जल गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो अलग ही मजे है भाई ठंड के। पिंसु मजा आ रहा आग में? ठंड कैसी है आज? अचानक से आई आज तो तुम्हारा? आज अचानक से आया ना, बहुत कल रात में भी सही था मौसम। अबे भाई मैं तो देख ही नहीं, मेरे को तो कल गर्मी लग रही थी दोपहर में, सुबह वो भाई सुबह देखती आज कुछ दिखाई भी नहीं दिख रही थी। बोली ठंड कैसी आ गई है? बहुत तेज, बहुत तेज। चलो भाई हाथ वाथ सेक लिए मैंने थोड़े बहुत, चाबी मांग के ले आया चलाने के लिए, अपनी गाड़ी की चाबी मांग के लिए आया, चलाएगा पागल है क्या तू? वो चलाएगा। चलो यार थोड़ी सी आग वक्त आप ले, देखा बाइक की चाबी दे, अपनी नई वाली बाइक की चाबी लिया है। दो है? दो है? हाँ, नहीं भैया तेरे पापा ने डांटा नहीं तुझको? तेरी चाबी इसमें रख दूँ? नहीं नहीं।
जला देता हूँ। नहीं पापा मारेंगे। हैं? पापा मारेंगे। तो दोस्तों अभी जो है आग वक्त आपके हम लोग छत पर आ चुके हैं और खाना वाना सब खा लिया हम लोगों ने और मस्त धूप निकल गई है। अब हल्का बहुत कोहरा अभी भी है, हल्का बहुत देख सकते हो, हल्का बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, पर फाइनली धूप आ चुकी है। इस धूप से ना काफ़ी राहत मिल रही है भाई, कैडी ठंडो और ऐसी धूप निकल ली हो ना भाई तो बड़ा ही गजब लगता है। ठंड में एक तेज वाली धूप निकलती है ना, जो अभी कुछ दिन पहले निकल ली थी उसमें तो ऐसा लग रहा था कि ठंड आएगी नहीं, पर आज तो भाई ठंड दिख गई भाई और ये धूप लेने में बड़ा ही मजा आ रहा है। तो फिलहाल विक्की यहाँ पर खड़ा भाई डंडे वंडे लेके, तो अभी मैं डंडे लेने जा रहा हूँ ऐसे, मतलब कुछ अलग डंडे हैं, गोल गोल से हैं, उनको लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि दिखाया था सुबह मैं नए कबूतर लेकर आया हूँ, देखो पूरा जाल भरा हुआ है कबूतरों से, तो नए कबूतर लेकर आया हूँ मैं, तो इनको खोलने के लिए ना नेट लगाना पड़ता है, तो वो नेट वेट लगाएंगे आज हम, तो फिलहाल लेकर आते हैं फटाफट और फिर नेट वेट लगाएंगे, फिर कबूतरों की वीडियो वगैरह भी अब रेगुलर बनानी है और व्लॉग्स तो पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बनाऊँ मैं कुछ थोड़ा, बस अभी ना टाइम सा नहीं निकट रहा था और मन भी नहीं लग रहा था, वैसे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, काफ़ी सारे भाई मेरे से गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो भाई मन सबको करता है यार व्लॉग बनाऊं कुछ नया करूं, पर वही होता है ना थोड़ा ना अंदर से लगता है कि यार कैसे करूं क्या करूं कब करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिलहाल पूरी कोशिश है इस बार मेरी रेगुलर व्लॉग्स बनाऊं। तो फिलहाल चलते हैं डंडे वगैरह लेकर आते हैं। तो दोस्तों डंडे वगैरह सब हम लोग ले आए हैं और ये देख सकते हो यहाँ पर डंडे रखे हुए हैं, पहले के हमारे पास 3 रखे हुए थे और ये आज लेकर आया था मैं। डरने लग गया यार वो। ये देखो ये गिल्लू को देखने जा रहा है, अभी मैं गिल्लू को दिखाने वाला था, यहाँ बैठा हुआ था गिल्लू, आजाद हो गया ना वो, अब वो डरता है, वो डरता नहीं है मतलब आता ही नहीं है, वो भाग गया जब से आता ही नहीं है वो तो ज्यादा हवा पानी लग गई बाहर की। हाँ बाकी यहाँ पर मौसी नानी बैठे हुए, देखो सब लोग बातचीत कर रहे हैं अपना, बढ़िया। मम्मी वहाँ पर कपड़े धो रही है, तो मैं आज नेट लगा लूंगा शायद से, तो नेट लगा लिया तो जरूर दिखा दूंगा, बाकी वरना विक्की होता ना तो विक्की दिमाग ज़्यादा लगाता है और काम ज़्यादा करता है वो, और आप लोगों को नेट वेट लगा के आज दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी जो देख सकते हो फ्रेम रेडी हो गया पूरा बढ़िया तरीके से, है ना, एक नंबर। नहीं नहीं यहाँ नहीं लगेगा अभी, है ना ना बहुत इतना, अरे एक लगा दो ना। अबे बहुत है, देखेंगे चल अभी अभी नहीं, तो फिलहाल अभी पूरा फ्रेम रेडी हो चुका है देख सकते हो भाई, और कितना ही गजब लग रहा है पूरा फ्रेम, बड़ी मेहनत लगी भाई, हाथ देखो यार कितने काले काले हुए हैं, मजदूर की तरह हाथ हो गए। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मनीष के भी, मनीष और मैं नहीं करवाया, गौरव तो चला गया घर पे भाई, उसको भूख लग गई थी ना तो घर चला गया भाई, देखो पूरा फ्रेम बन गया बढ़िया चकोर, अब नेट लगाने की तैयारी चलेगी, अब बस देखना मुझे ये है कि नेट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा हो गई है, 7-7.5 फुट की हाइट हो गई है पूरी, तो देख सकते हो भाई। तो फिलहाल अभी नेट वेट लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे धीरे धीरे, सब कर रहा हूँ भाई मैं क्योंकि अकेला हूँ ना, अब ट्राईपोर्ट पे भी नहीं रह सकता, पहले कर लेता हूँ फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ओवरऑल नेट जो है भाई काफ़ी हद तक पूरा लग चुका है, अब फ्रंट में दिक्कत यह है अभी, अब मैं लगा भी नहीं पाऊँगा, अगर लगा भी दिया तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना फ्रंट में अब ये लगेंगे क्योंकि छोटा पड़ रहा है नेट, तो ये नेट देख रखते हो यहाँ पर रखे हुए, मतलब ये नेट हमारे पुराने वाले हैं सारे, तो ये जो है अब यहाँ पे लग जाएगा, अभी तो थोड़ा ढीला है, ये टाइट हो जाएगा ना तो थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ यहाँ से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे भाई। नाना खाना खा ले लो, ना खाइल ना खाइब, हम तो कब के खा लेनी, सब फिल्म देख रहे हो गया बैठ के, मौसा तू खाना खा ले लो, चलो भाई मौसा ने तो खाना खा लिया, गर्म पानी पी रहा बे, किसके लिए लाया, अपने लिए नाना के लिए, अपने लिए आवाज कर दियो, आवाज कर दियो रिमोट से, आवाज कर दे फिल्म देख रहे हो, अच्छा तुम्हारा गर्म पानी यहाँ पे है, हाँ नाराज बहुत खुश है, है? तो फिलहाल भाई कल ये लोग चले जाएंगे सुबह, मौसा ले जाएंगे इनको, साउंड देना यार, ले साउंड दू पर रिमोट का है, साउंड देना। चलो भाई बिस्तर वगैरह सब लग रहा है, फिलहाल तो आज नेटवर्क लग गया, मेन काम मेरा यही था नेटवर्क लगाना, क्योंकि तो यार सुबह से शाम हो गए उसको लगाते लगाते। तो फिलहाल छोटा सा ब्लॉग था, होप कि आप लोग आज के ब्लॉग में मजा आया, अगर मजा आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, ओए आवाज क्यों कर दिया, चलो भाई ठीक है, टेक केयर, बाय।
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy.